भजनपुरे की मार्केट, अपना अपना पर्स, मेरा पर्स कम मेरी पर्स की। पहले ये एक और बैग, ये एक और बैग नहीं आएंगे। देखिए नगमा नाइट सूट पहन के हो गई रेडी, तो आप लोग का बच्चा काला ना आ जाओ, काला नहीं आ रहा तू लेके बात तो कर। गुड मॉर्निंग, आई वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस के हिसाब से पहन पा, तेज आवाज नहीं है हलक में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आओ आप नाश्ता कर लो, हम तो कर रहे हैं नाश्ता। तो चलिए गाइस आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हम तो कर रहे हैं। और फिर मैं जा रही हूँ नहाने, कब मनी नहाती मैं नहाता हूँ। सही कह रही है गाइस, मैं काला इसलिए हूँ, गोरी इसलिए। चलो नाश्ते के बाद मिलेंगे आपसे, बाय बाय टू टू। तो गाइस नहाने से पहले कमवा ने मुझे लाके दिया है बॉयल अंडा, तो मैं बॉयल अंडा खाने के बाद जा रहा हूँ नहाने। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहाकर, अंडा खाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और मैं वहां से आके देख रही हूँ तो मेरी अम्मी ने खाना बना के रखा हुआ है। ये देखो मेरी अम्मी ने खाने में क्या क्या बनाया, ये देखो बैगन आलू की सब्जी बना दी, और इसमें इसमें बन रहे हैं राइस। वो पता नहीं चले ये भी काम करती है, ये छुपा रुस्तम वही खाना लाके दू। ये देखो गाइस घी डाल दू चावलों में, डाल दो। ये देखो गाइस कमर डाल दिया देशी घी, और ये घर का घी है गाइस, बिल्कुल पीला घी है। गाइस को पता है मैं घी बनाते रहता हूँ, घी मेरे दे देते हूँ गाइस को पता। देखो गाइस हेयर बैंड लगा कैसी लग रही है बहुआ। लो गाइस आलू बैगन की सब्जी खाते नहीं हम, ये बनाया ना मैंने खाना। गाइस को खाना खाने देते हैं, ऐसी नखरे करती है खाना खाने में हमेशा से। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस खाना वगैरह खाने के बाद हम हो चुके हैं रेडी पार्लर के लिए, तो मिलते हैं आपसे गाइस पार्लर में। चलिए मिलते हैं, बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं पार्लर, पार्लर में आने के बाद हमने शॉपिंग करी है। तो गाइस हमारे पार्लर में चल रहा बहुत ज्यादा काम, और मैं खाना खाने बैठ गया थोड़ा सा काम करके, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गाइस हम आए हैं भजनपुरे की मार्केट अपना अपना पर्स लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपना पर्स लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा पर्स लेने वाली हूँ और क्या लेने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस करिश्मा यहाँ पे ले रही है मेरे लिए ट्राउजर, आई थिंक लोअर ले रही है ना, कौन सा है ये वाला, तो नहीं अच्छा लग रहा है ना, टाइट हो जाएगा नीचे से। हाँ नहीं देखो टाइट करके, देखो पकड़ो देखना। ये रही भजनपुर की मार्केट, ऐसे होता ऐसे होता, ठीक है ले लो पक्का। हाँ लो लो। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट कर, और आप लोगों को मार्केट का ब्लॉग इसलिए नहीं दिखाया था, क्योंकि कम्मू गुस्सा कर रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने मार्केट का ब्लॉग नहीं दिखाया। और हम मार्केट से क्या क्या चीज लेकर आए हम आपको दिखाते हैं। पहला मेरा पर्स, कम मेरी पर्स की मेरे साथ फोटो लो, दिखाओ लो लो भाई लो। तो गाइस मेरा पर्स कैसा लग रहा है आप लोगों को, लो कमेंट कमेंट करके बताना, ठीक है दिखाओ तो, कितना क्यूट लग रहा है ना ये। और ये गाइस मेरी चॉइस है, हाँ इन्हीं की चॉइस है, कमा की भी चॉइस है ये मेरी भी। और क्या लेकर आए, यही पसंद आया था तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस मैं अपने नाइट के कपड़े लेकर आई हूँ, ये रहा मैं नाइट, थोड़ा नीचे करके दिखाओ ना, क्या कैमरे के बिड्डे में डालोगी, वो कितना शोर हो रहा है बाहर। ये देखो गाइस मेरे नाइट के कपड़े, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हम कपड़े दिखा रहे थे, और बाहर ढोल बजने लग गए हैं मुहर्रम के, मैं आपको दिखाती हूँ कितना शोर शराब हो रहा है। तैयार हो रहा है तो मैं आपको दिखा के नहीं छोड़ता।
पूरी वीडियो दिखाई कि हमारे यहाँ पर ही पांडे जी हमारे यहाँ झुके हुए हैं। तो गाइज मैंने आपको पूरी क्लिप दिखाई ना कि यहाँ पे कितने जोरों शोरों से यहाँ पे मुहर्रम मनाए जा रहे हैं। और वैसे मुहर्रम के लिए यूपी जा रहे हैं, तो कल हम यूपी से ही बात करेंगे आपसे, हम आपको पूरा ट्रैवल पूरा व्यू देंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल आप देखें नगमा क्या क्या लेकर आई मार्केट से, मैं आपको पूरे वीडियो दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, पहले ये एक और बैग, ये एक और बैग नहीं लिया है, ये कल जाने के लिए ये बैग लेकर आए हम। आई एम सॉरी, चूमो फिर से बैग को, बैग को कौन चूमता है, बात है क्या, कपड़े को चूमो, बैग को चूमो, ला भैया ला, लो ठीक है भाई। गाइस हम ये वाला बैग लेकर आए, कुछ गारंटी वारंटी इस बैग की, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, क्योंकि हम क्यों लेकर आए, तो गाइस हम जा रहे हैं यूपी, सुबह हम यूपी जा रहे हैं। आप लोग को यूपी तो किसी भी टाइम जा सकते हैं, इस बार शॉपिंग इसी क्यों, इस बार मेरी मम्मी भी साथ में जा रही है, और इस बार ताजी बनेंगे ना हमारे गाँव में, हम आपको लोग आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, इसलिए हाँ चलो अब दिखा दो क्या क्या लेकर आई हो। तो गाइस देखिए नगमा के नए कपड़ों की कलेक्शन दिखाते हैं आपको, कितने कपड़े लाइए, ये तो मेरे, हाँ हाँ देख लिया जी, ये मेरे भाई के लिए है, शानवाज के लिए पैंट, के लिए पैंट है, अच्छा जी ठीक है ओके, हाँ हाँ पूरी है, ये मेरे पापा के लिए टी शर्ट है, अच्छा जी बहुत प्यारी लग रही है, गाइस ये भी टी शर्ट है, ये हमारे उनके मम्मा के लिए, ठीक है अच्छी लग रही है, ये मामू के लिए हमारी टी शर्ट, ओके गाइस ये है मेरा ट्राउजर, ठीक है अच्छा लग रहा है, कार्गो वाला ट्राउजर है, ओके ठीक है, और गाइस ये मेरा नाइट सूट, तो स्टैंडर्ड नाइट सूट, ये कोट सेट है गाइस, कोट सेट है, अच्छा नाइट वाला कोट सेट, ये देखो ये इसकी टी शर्ट, वो तो तुम अभी पहन के दिखाओगी तब ढंग से दिखा देना ना, ठीक है ये मैं पहन के दिखाऊंगी, ठीक है और बस यही है तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे भी दिखा रही हूँ, सवर रखो, अम्मी ने पता रखे सवर रखो, इसको बेसब्री हो रही है, सोच रही मेरे नहीं दिखा रही, मैं गाइस इस कम्मो के लिए भी लेकर आई हूँ, आप लोग ये मत सोचना मैं अपने अपने लेकर आई हूँ, बस ये देखो गाइस ये कम्मो की पैंट है कार्गो वाली, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, और ये इसकी शर्ट है, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ये देखो कब पहन के दिखाना दोनों से, ओके है ना ठीक है, अच्छी लगेगी ना जी, यस गाइस कमेंट करके जरूर बता, बस गाइस मेरे इतने ही कपड़े लेकर आई है, इतने ये भी है, ये गाइस ये कुर्ता, ये कुर्ता पहनेगी कमुआ, ठीक है, और ये देखो ये इसकी पैंट, ठीक है नहीं है, और गाइस मैं ये जग लेकर आई हूँ, अच्छा जी हाँ, और ये मैं बब्बू घोसा लेकर आई हूँ, बब्बू घोसा भी लेकर आई हूँ, मेरी थैली में, अच्छा जी खाने जा रही हूँ, जो खाने जा रही हैं, ठीक है, और ये भी पैंट है कमो, अरे हाँ ये व्हाइट पैंट तो हम भूल ही गए कि ये भी पैंट लेकर आए हैं, ठीक है चलिए, तो गाइस देखा कपड़े हैं, गाइस देखा कि आपने, हमने आज कितनी सारी शॉपिंग करी है, और अपना बैग भी लेकर आए हैं कपड़े रखने के लिए, तो गाइस क्योंकि हम कल यूपी जा रहे हैं इसलिए हमने इतनी शॉपिंग करी है, सबके कपड़े लेकर आए हैं, और हम कल निकल जाएंगे यूपी, तो गाइस अब हम मिलते हैं, देखो दुकान से आके ऐसे बैठे हुए हम, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं, ओके बाय। फाइनली गाइस देखिए नगमा नाइट सूट पहन के हो गई रेडी, तो आप लोग कमेंट करके बताएं नगमा कैसी लग रही है हमारी, एक बार और पोज, ओह माय गॉड, तो चलो गाइस अब हम खाना वाने पे मिलते हैं, बाय। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू क्या है, वेलकम बैक टू माय चैनल, नहीं मेरा थोड़ी है, मेरा थोड़ी है बाजी का, वेलकम बैक टू भाई बाजी का चैनल, ऐसे कहते हैं बैक टू वेलकम बैक टू माय चैनल, बैक वेलकम टू नताशा खान ब्लॉग, नताशा खान ब्लॉग, चलिए तो गाइस चलते हैं बाहर, बाजी बना रही है कचोरी, देखिए गाइस बाजी यहाँ पर खड़ी है, और ये हमारी कढ़ाई है, और इसके अंदर तेल है, और ये कचोरी है, हमारी चटनी हो रही है पिसरी है, देखते हैं चटनी में क्या क्या है गाइस, इसमें मुझे लग रहा है पानी है, और नींबू है, नींबू निचोड़ हुआ है हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, और अच्छा नहीं है ऐसा नींबू, और इसमें टमाटर है और लहसुन है, और ये क्या भाजी क्या है, नहीं जीरा है, और समझ में नहीं आ रहा कुछ, जो भी हो गाइस लहसुन है, और ये बस अब पीस लो, हो गया
गाइस में जो भी है वो ही हल्का हल्का सा टुकड़ टुकड़ों सा जो भी है कहने नहीं आ रहा मुझसे, वो ही आप बता देना कमेंट में, है ना। तो गाइस हमारी करिश्मा बना रही है कचोरियां, क्यों कचोरियां मुझे बनाना नहीं आती हैं। तो गाइस कचोरियां मुझे बनाना नहीं आती हैं, आप लोगों को तो पता है पूरी कचोरियां पचोरियां सब मुझे नहीं आती है, और मुझे मैं बनाती तो कभी मेरा तेल वेल कभी कुछ लगते ही रहता है। तो माशाल्लाह हमारी करिश्मा बहुत अच्छे से बना लेती है, तो हमारी करिश्मा बना रही है कचोरियां। और ये देखो गर्मा गर्म इतनी सारी कचोरियां, ये सारी कचोरियां बना रही है। और मैंने गाइस मैंने स्पेशल क्या चीज़ क्या डिश बनाई है आज मैंने बहुत स्पेशल डिश बनाई है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ डिश। ये देखिए हमारी डिश, और ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो गाइस ये है कटहल के बीज, ये देखिए। तो ये मैं मसाले वाले कटहल के बीज बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बन गए हैं। तो ये कटहल के बीज नेपाल के हैं, ये यहाँ के भी नहीं है, नेपाल में क्या अनोखा नहीं होता, नेपाल में मत करो सुनो, नेपाल का मतलब केला अनोखा हो सकता है बीज वाला, यहाँ के केले में क्या बीज निकलता है, तो यहाँ के कटहल नहीं हो सकता है, अब क्या वो बोलती नहीं बनी गाइस, जब नेपाल का केला अनोखा हो सकता है तो क्या कटहल अनोखा नहीं हो सकता, अनोखा है और बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं वहाँ के बीज, और बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है समझ में आ गए शन्नू, ठीक है कचोरियाँ बनाओ तू, ठीक है चलो गाइस हमारी बीज की सब्जी बन जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हो करिश्मा एक कढ़ाई में तीन तीन कचोरियाँ निकाल ली है, ओहो हो। तो ये देखिए गाइस हम देख रहे हैं आप लोग, अरे कुछ चीज जलने की बदबू आ रही है गाइस, बहुत ज्यादा जलने की बदबू, क्या जला दिया इन्होंने, अरे क्या क्या जला रहे हो भाई तुम यहाँ पर, अरे ये बीज जला लिए कटहल के, बीज क्या जला लिए, मैं अंदर थी मैं कपड़े वपड़े तय बना रही हूँ, मैंने सोचा चढ़ा के चली गई मैं, अच्छा मुझे ध्यान नहीं रहा, ये बैठी खड़ी भी इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, मतलब अपनी कचोरियों में ध्यान है बस। तो भाई मैं जो बना रहा हूँ उसी को तो ध्यान में रखूँ, मुझे क्या पता क्या जल रहा है क्या नहीं जल रहा। हाँ ये भी बात सही है भाई, ये मतलब इस नाक नहीं है कि तुम्हारी सूंघने के लिए, पर मैं यूज नहीं कर रही, कोई बात नहीं। हाँ ये भी बात सही है, ये बात सही सही की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कल कला कोई चीज बनाओगी ना तुम मैं भी नहीं देखूंगी, बात तुम्हारी भी सही है। हाँ मैं भी नहीं देखूंगी, देखना आगे चली गई थी, एक बार करिश्मा ने जलाया और एक बार ये मुझसे जल गया, मैं खाना खा रही थी अंदर और ये हालत इतनी बेकार हो गई इसकी, सारे जल के खराब हो गए, अब मैं इसको फेंक रही हूँ, नेपाल के बीच में ना टोक लग गई कमुआ की, गाइस कमुआ आ चुकी है कचोरी वचोरी बनाकर और ये रायता वगैरह के साथ चटनी के साथ कमुआ कचोरी खा रही है एंजॉय करती हुई, बेचारी ने मेहनत बहुत करी है, बहुत मेहनत करी है कमुआ ने और ये मेहनत का फल मिल रहा है इसको, और मैं भी बिगर मेहनत करे फल मैं भी खा लूँ, खा के देखो और टेस्ट बताओ कैसा है, आज की बहुत उदम बनी है, कुछ कहने ही ना ऐसा वाला टेस्ट है मस्त। गाइस सच में करिश्मा बहुत बेहतरीन पूरी कचोरियाँ बनाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी, गाइस हमारी कचौड़ी ऐसी लग रही है बिल्कुल बुलबुल का बच्चा उधम, हाँ हाँ कंचा पीस एंटिक कंचा बहुत बढ़िया लग रही है, कुछ कह नहीं कुछ कह नहीं ना, मैं जब कहता हूँ जब ये चीज अच्छी लगती है, अच्छा जी हाँ, और मैं कंटा पीस कुछ कह नहीं ना तो चलिए गाइस हम कचौरी वगैरह खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस देखिए नगमा को ठंड लग रही है, नगमा ने कैसे ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, खाना खा रही है, ठंड लग रही तुझे, हट गर्मी हो रही है ठंड लग रही है पागल कहीं की, मेरे को बुखार लग रहा है, चे जी 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 गोली खाएगी, हाँ तो तुझे बुखार नहीं लग रहा गोली चोर। तो गाइस नगमा खाना खा रही है और हमने खाना खा लिया है, तो गाइस अब खाना खाने के बाद हम तो गाइज हम दूध और जूस पी के सो जाएंगे। तो गाइज आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर।